हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। आज वीकेंड है तो हम बाहर घूमने के लिए निकले हैं। वृंदा बताइए। आई थिंक वन मंथ बाद हम बाहर निकले। हाँ, बहुत काम, काफी एक्टिव था तो टाइम ही नहीं मिला, बट आज फाइनली निकले। हम वीकेंड्स पे भी काम कर रहे थे तो आज हम निकले हैं बाहर, और आज मौसम भी अच्छा है। आई थिंक आज लास्ट डे होगा सनी, उसके बाद से तो ठंडा चेंज हो जाएगा वेदर। तो आज हम जा रहे हैं हैम्स्टेड, वहाँ पे कैनवुड हाउस है और उस हाउस में नॉटिंग हिल मूवी की भी शूटिंग हुई हुई है। तो अगर आपने नॉटिंग हिल मूवी देखी है तो आप बहुत रिलेट कर पाओगे कि हमने देखा हुआ है। तो अभी हम रास्ते में हैं और हम हैं बस में, तो आप देख सकते हो यहाँ की बस। आज हम बस में हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, डबल डेकर बस है। तो अब हम आपको कैनवुड हाउस जाके दिखाएंगे कि कैसा है। बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत। और ये हम इतनी ऊपर बैठे हैं बिल्कुल आगे की साइड, और हम बस अब पहुंच ही रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये देखो, ऐसे ग्रीनरी पूरा व्यू आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ग्रीन है ये एरिया। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, क्या नाम है उसे, हैम्स्टेड। सो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ कैनवुड हाउस में, और ये इतना बड़ा है कि अभी तो हम इसके एंट्रेंस पे हैं। वॉक करके जा रहे हैं बस, अभी तो अंदर जाना है, अभी कहाँ पहुँचेंगे फिर वो है हाउस। ये पूरा पार्क नेचुरल रिजर्व पार्क पूरा है। नेचुरल रिजर्व तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन बहुत सारा मतलब यहाँ ओल्ड ट्रीज हैं, और ये एक हिस्टोरिकल स्पॉट है, क्योंकि ये जो कैनवुड हाउस है ये 17 सेंचुरी में बना था ये। उसके बाद फिर डेमोलिश शायद किया था थोड़ा बहुत, फिर दोबारा देखो स्क्विरल, कितनी मोटी स्क्विरल। अगर दिख रही हो शायद दिख नहीं रही होंगी, पर ये यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्विरल होती है, मतलब मेरे को तो बहुत डर लगता है इनसे। और आज धूप है खूब, और देखो पूरा ये कवर है तो धूप आ ही नहीं रही इस एरिया में। तो हाँ, इस एरिया में धूप नहीं आ रही, पर वैसे आज बहुत सनी डे है। हाँ, वो सामने दिख रहा होगा ना पूरा सनी। और हम अभी लेट है 10 मिनट्स, अपना जो हमने स्लॉट बुक किया था उससे, हमने 11 o'clock का किया था बेसिकली, खुलता क्योंकि उसी टाइम पे। हाँ, हमने फर्स्ट स्पॉट बुक किया था ताकि हमें ये जगह थोड़ी खाली मिल जाए, अदरवाइज कई बार तो यहाँ पे बहुत रश होता है। पर अब देखते हैं, और देखिए हमें अंदर जाने देंगे या नहीं, और व्यू दिखाते हैं आपको। सो ये है कैनवुड हाउस, इतना बड़ा सा रोमन थोड़ा नहीं लगता है बाहर से। हाँ, इसमें मैंने जो इसका पढ़ा था वो यही था कि जो इसका ओनर था वो पूरा वर्ल्ड घूम के आया था, और उसके बाद वो इन्फ्लुएंस हुआ था अलग अलग जगहों से, तो उसने उसके हिसाब से अपना घर बनाया। क्या लास्ट ईयर आई थिंक वी डिड। या सो अब यहाँ पे स्कैन होएगा पहले, क्योंकि हमने पहले बुक किया था तो इसलिए स्कैन करके फिर हम जाएंगे अंदर। और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ प्री बुक करके ही आते हैं, बिना बुक किए आ नहीं सकते। It was used by the other Mansfield as a dining room. The Mansfield family owned the house until the end of the 19th century. It was then sold, eventually it was sold to Harry. Yeah. Ye hai reception room kind of a place. Oh, पहले इसकी ऐसे मिनारेट्स भी थी, अब तो नहीं। ये पूरा इन्होंने अब चेंज कर दिया है, पर ऊपर जा सकते हैं, हम नहीं गए थे शायद पिछली बार ये बंद था शायद। ये जगह हमें बहुत ही पसंद है, एकदम रॉयल स्टेयरकेस कारपेट वाला। ओह,
पिछली बार यहाँ नहीं आए थे, बेलीज वगैरह के जो होते हैं ना, हाँ बेलीज के बकल्स, ये यहाँ हीटर रखा हुआ है इन्होंने, इन पे भी पूरे नगमग लगे हुए आगे वो लगाने के, या ये डायमंड्स हैं इन पे, स्पेस वेरी इजी टू कट इट, स्पार्कलिंग है बस ऐसे भी टाइप, ये देखो ये स्टेयरकेस कितना अच्छा लग रहा है, और ये एक शैंडलियर और ऊपर वो है रूफ। तो अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं हम, इसके ऊपर वाले सेक्शन में तो शायद आए ही नहीं है पहले, आए हैं मुझे नहीं लग रहा, ये सारे पोर्ट्रेट्स देखे हैं, नहीं हम नीचे वाले रूम में गए थे, हम इधर नहीं आए, ये तब बंद था, ये यहाँ पे इनकी सारी रॉयल पेंटिंग्स हैं, सारे बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स, और ये सब 17th सेंचुरी के हैं, और इधर भी हैं बहुत सारे, ये जो ओरिजिनल फैमिली थी और रॉयल थे वो लोग, उनका ये उनके बेडरूम्स थे, और उसके बाद 1900s में ये इस फैमिली ने सेल कर दिया था, देखो कर्टेंस भी कितने सुंदर हैं, और जब इन्होंने सेल कर दिया था तो जिस बंदे ने ये ख़रीदा उसने और एक्सटेंड कर दिया था इस घर को, तो अच्छा है बहुत, डिफरेंट सी जगह है काफ़ी, मज़ा आता है मेरे को तो ऐसी जगहों पे, जहाँ पे भी हिस्ट्री है वहाँ मुझे मज़ा आएगा ही, और ये फ़ोन में बहुत ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं, मतलब जितने ये दिख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे फ़ोन में लग रहे हैं, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, नहीं कुछ कह नहीं आता, ये पेंटिंग्स 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 और शाही कर्टेन, शाही सोफे भी था, शाही सोफे, अरे फ्रेम शाही है सबसे, हाँ फ्रेम्स इतनी मोटी है और ये तब से अब तक खराब ही नहीं हुई है, ये कुछ तो 1600 की है, कुछ 1500 की है पेंटिंग्स, कुछ बहुत ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स है जो रखी हुई थी यहाँ ले आए फिर ये सारी, चले हम नीचे, हाँ चलो नीचे, ही है ये ऊपर के बेडरूम्स थे, और हम जा रहे हैं नीचे, ये स्टेयर केस भी अच्छा लग रहा है, और ये सुंदर सा शैंडलियर, ये देखो साइड से फ्रेम, जंजीरों से वो तो चेन्स लगाई हुई हैं हैंग करने के लिए, और नितिश नीचे भाग गया है, ये और जो लोग यहाँ रहते थे उनमें से जस्टिस ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड मैन्सफील्ड, हाँ और मैन्सफील्ड पार्क जो मूवी है वो उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई हुई है, हाँ। वो मूवी मैंने अपनी जो मैं अपने वर्क से ब्रेक लेती हूँ ना हर रोज उसमें हाफ एंड हाथ करके देखी थी, ओह हाँ ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, जो आगे आएगा ये पूरा रॉयल मिरर और अलग अलग पेंटिंग्स, पहले अगर लाइब्रेरी जा पाते ना ज़्यादा मज़ा आता, अभी ये खाली आ जाओ, ये पूरा ड्राइंग, हाँ ये ड्राइंग रूम है, यही देखा था हमने बस पिछली बार, क्योंकि पिछली बार ये खुला नहीं था, रेनोवेशन हो रहा था तब यहाँ पे, कुछ तो हो रहा था कोविड का टाइम था ना वो, तो कुछ ना कुछ रिस्टोरेशन हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, हेलो हाय यस यू कैन, ओह या एज़ लॉन्ग एज़ इट्स नो फ्लैश, नो फ्लैश या, और ये बहुत ही सुंदर सा शैंडलियर, ये सबसे सुंदर रूम है, ये क्या कर रहे हैं,
ये घर के लिए पर्दे तो नहीं चाहिए? हाँ, इन्होंने ये देखो अपने रूम को ये कितना डार्क रखते थे। हमेशा डार्क, मतलब यहाँ पे लाइट कम ही रखते हैं घरों में। यहाँ पे हाँ लोग ना बस कैंडल्स वैंडल्स लगा के फिर रहते हैं। और ये ऐसी येलो लाइट ही रखते हैं बस थोड़ी सी। पर काफी अच्छा है। और ये पेंटिंग्स बहुत ही ह्यूज हैं, इवन दो इसमें नहीं लग रहा होगा पर है बहुत ह्यूज पेंटिंग्स। ये कुछ सेंट्रल सा क्या ये रिसेप्शन एरिया या हॉल सा है। और इसके बाद अब हम जाते हैं आगे। और हाँ, इस घर का मेन जो अट्रैक्शन है ना वो यहाँ की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ब्लॉगर्स भी इवन शूटिंग करने आते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है। अभी हम पहुँचेंगे लाइब्रेरी की साइड से। लाइब्रेरी यही आ गई। ओ हाँ, ये रही लाइब्रेरी।